MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। दोस्तों आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में नई वैकेंसी निकल करके आ चुकी है, नोटिफिकेशन भी आप लोग का जारी हो चुका है। अभी इस सेशन में हम आप लोग को सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल करके आई हुई है, आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी जो है साइट के इश्यू को लेकर के आप लोग का फॉर्म का डेट अभी तक जो है चालू नहीं किया गया है, अभी भी साइट ओपन नहीं हो रहा है कुछ टेक्निकल एरर के कारण। दोस्त आप लोग को इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि अगर आप लोग 10th पास है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसमें दोस्तों आप लोग को बता दें कि टोटल कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्त हमारे टोटल आप लोगों की 41,822 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है और ये वो नोटिफिकेशन है। अभी हम आप लोग को नोटिफिकेशन भी दिखलाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग हर एक टॉपिक्स को अच्छी प्रकार से समझ सके। आप लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और पूरी बातों को नहीं समझते हैं और बाद में फिर मैसेज करते हैं कि भैया इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर वॉच करना है अगर आप लोग आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है 41,822 पोस्टों पर, इसके लिए अभी हम आप लोग को बताएंगे कि कब से फॉर्म आप लोग का लिंक जो है सारा साइट सुधर करके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस पर जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों बता दें 41,822 जो वैकेंसी है वो आप लोगों की हर एक पोस्ट के वाइज निकालती है। जैसे आप लोग को हम दिखला दें कि कौन कौन से पोस्ट पर आप लोग की कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दें, देखिए मेट के पोस्ट पर 27,920 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर सेकंड नंबर पोस्ट नेम की, तो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसी जो है वो आप लोग का 11,316 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद स्टोर कीपर जो कि 1,026 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब दोस्तों इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए मेट और फिर MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है ये दोनों पोस्ट आप लोगों की दोस्तों 10th लेवल पर निकाली गई है, ठीक है। कितने पर? तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं तो इन दोनों पोस्ट पर आप लोग फॉर्मिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं, स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो इसमें आप लोग की जो क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों 12 चाहिए, ठीक है, 12 ध्यान में रखिएगा। अब आगे बात कर ले तो देखिए यहां पर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आती है, आर्चिट कार्डर की वैकेंसी आती है, ब्रैक स्टोर ऑफिसर की वैकेंसी आती है, सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो इन सब जो पोस्ट है दोस्तों, जैसे यहां पर अगर हम लोग बात कर ले सुपरवाइजर में बात कर ले या फिर ये जो ग्रुप ए के अंतर्गत में वैकेंसी आती है, इन सब में आप लोग का क्या लगेगा दोस्तों? तो डिप्लोमा आप लोगों का जो है डिप्लोमा ये यहां पर जो है लगने की संभावना है। यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल बात कर ले तो 10th लेवल पर बहुत ही अच्छी खासी सीटों पर वैकेंसी है, 12th पर भी अच्छी खासी सीटों पर वैकेंसी है। आगे जो है ये सब हायर आप लोग का क्वालिफिकेशन है, जैसे किसी में ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में डिप्लोमा चाहिए। तो दोस्तों ये सब आप लोग के टोटल पोस्ट है। अगर आप लोग टोटल इसी प्रकार पोस्टों को जोड़िएगा तो इन सभी को पोस्ट को संख्या को जोड़ करके 41,822 आप लोग की वैकेंसी जारी हो रही है। अब आइए इसमें हम लोग समझते हैं कि आखिर आप लोगों का जॉब लोकेशन क्या रहेगा। तो दोस्तों आप लोग का जो जॉब लोकेशन है वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी दे सकता है, ध्यान में रखना है ऑल ओवर इंडिया आप लोग का जॉब लोकेशन है। और ये जो फॉर्म है वो आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होगा, किस साइट पर अप्लाई होगा वो भी बतलाएंगे। चलिए अब हम लोग से क्या करते हैं कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हमारे प्यारे दोस्तों आप लोगों को हम सारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अच्छा दोस्तों एक बात और है, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, हम आप लोगों को सभी एग्जाम का नोट्स प्रोवाइड कराते हैं मात्र 70 रुपये में, ठीक है। अगर आप लोग रेलवे वगैरह किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ एक मैसेज कर देना है, आप लोग को सिर्फ 70 रुपये पे करने पर किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आप लोग को जो है पूरा का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। अब आइए इसमें हम लोग समझते हैं आखिर कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप लोग के पोस्ट तो हम यहां पर बतला दिए, तो इसमें आप लोग का आखिर फी क्या लगेगा फॉर्म को फिलअप करते वक्त। तो दोस्तों देखिए यहां पर आप लोग की जनरल और ओबीसी की जो फी है वो 100 रुपये रखी गई है, और वहीं पर बात कर ले एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी की तो इनके लिए 1 रुपये पे नहीं करने होंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए दोस्तों। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, आखिर इसमें नेक्स्ट आप लोग का क्या पेमेंट लगने वाला है दोस्तों।
तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। आइए अब यहां पर देखिए आप लोग का एज और फिर क्या चीज मेंशन किया गया है, एज और फिर यहां पर आप लोग की सैलरी को मेंशन किया गया है। तो आइए देखिए, देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दें कि वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है तो सभी का अलग अलग एज क्राइटेरिया भी रखा गया है। और जो यहाँ पर सैलरी है दोस्तों ये वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है, जैसे टेंथ का अलग सैलरी है, ट्वेल्थ का अलग सैलरी है, डिप्लोमा वाले पोस्ट का अलग सैलरी है, ठीक है। उसी प्रकार समझिएगा जनरल की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम जो हम बतला दे रहे हैं वो 18 कम से कम रहना ही चाहिए। और जो टेंथ लेवल का जो पोस्ट है उसके लिए अगर हम इस क्राइटेरिया की बात कर लें तो जनरल का 25 आप लोग का मैक्सिमम एज चाहिए दोस्तों। और वहीं पर अगर बात कर ले आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी का कभी भी छूट दिया जाता है तो ओबीसी का यहां पर 3 साल का जो है छूट दिया गया है, यानी कि 18 से 28 हो गया। और एससी एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 18 से आप लोग की 30 जो है मैक्सिमम और मिनिमम आप लोग की एज ये हो गई, ठीक है। वहीं पर बात कर लेते हैं अगर सैलरी की, तो देखिये दोस्तों जो टेंथ लेवल की पोस्ट है उसकी सैलरी आप लोग की 21,900 से स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों, ठीक है। क्या है स्टार्टिंग सैलरी आप लोग की, ये कम से कम निकाली गई है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसके बाद जितने भी हाई पोस्ट आ रहे हैं, डिप्लोमा पर आ रहे हैं, ट्वेल्थ पर आ रहे हैं, उन सभी का जो है इनसे भी ज़्यादा सैलरी बढ़ रहा है। अगर हम लोग एक बात कर लेते हैं तो देखिए आप लोग को बता दें ये तो आप लोग का जो है मिनिमम सैलरी है दोस्तों। अगर हम लोग यहीं पर बात कर लें मैक्सिमम सैलरी की, मैक्सिमम सैलरी की, तो दोस्तों आप लोग का जो मैक्सिमम सैलरी है वो आप लोग का 1 लाख प्लस जाएगा, ठीक है। 1 लाख से भी ज्यादा आप लोग का सैलरी है डिप्लोमा वाले पोस्टों का, ठीक है। मिनिमम 21,900, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब इसमें हम लोग बात कर ले कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों हमारे आप लोग को ध्यान रखना होगा, आप लोग का सबसे पहले डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीबी इसलिए क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है, बहुत सारा जो है ना ज्यादा प्रोसेस होने के कारण जो है बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा है। तो सबसे पहले डीबी में ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बहुत सारे बच्चों को छांट दिया जाएगा ताकि आगे रिटेन में ज्यादा जो है खर्चा ना बढ़े भैया। तो रिटेन यहां पर सबसे पहले क्या होगा, डीबी, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, रिटेन होगा, ध्यान में रखना है रिटेन होगा, उसके बाद आप लोग का मेडिकल होगा और लास्ट में आप लोग का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू दोस्तों आप लोग का पोस्ट के वाइज रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग इसी में बात कर लें कि आखिर देखिए डीबी में तो आप लोग का जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो हम आप लोग का एक सेपरेट बतला देंगे। वैकेंसी जैसे ही आता है ना, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होता है तो उस वक्त आप लोग का डीबी का सारा डॉक्यूमेंट वैसे हम बतलाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि रिटेन में आप लोग का आखिर सिलेबस क्या चाहिए। मेडिकल तो भैया आप लोग का आयोगी लेगा, ठीक है, मेडिकल आप लोग का ठीक ठाक होता है और इंटरव्यू भी आप लोग का आयोगी लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर आप लोग का जो है रिटेन में क्या क्या सिलेबस चाहिए दोस्तों। तो रिटेन में सिलेबस के लिए हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको हम लोग हटाते हैं, आ जाओ भाई। चलिए दोस्तों तब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार जरूर से जरूर हमारे प्यारे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स और बीच में रेलवे का फ्री में प्रिपरेशन भी कराते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो चलिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग फ्यूचर में अच्छे अच्छे जॉब्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट में आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस और फिर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 नंबर का, ठीक है। उसके बाद बात कर ले जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और फिर जनरल इंग्लिश से आप लोग का 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से आप लोग का जो है 25 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। और उसके बाद स्पेशलाइज्ड टॉपिक से आप लोग का 50 यहां पर जो है रखा गया है। तो आप लोग बोलिएगा भैया कि ये जो है स्पेशलाइज टॉपिक क्या है। तो देखिए जैसे मैं आप लोग को हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये तो हो गया आप लोग का टेंथ लेवल का वैकेंसी, जैसे ये सब आप लोग के डिप्लोमा पर जैसे भी वैकेंसी है तो इन सब में डिप्लोमा पर जो जो जैसे टॉपिक है, डिप्लोमा का है क्या टेंथ वाला पर भी आप लोग का होगा, जैसे मेट का आप लोग का जो ऐसे है ना कि आखिर वो आप लोग के रिलेटेड आप लोग के क्या बोल सकते हैं पोस्ट नेम से रिलेटेड जो भी कार्य है उससे आप लोग का जो है कुछ क्वेश्चन पूछेगा 50 नंबर का ही आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा। टोटल अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 120 आप लोगों का जो है यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा 125 हो जा रहा है 25 50 75 और फिर 50 आप लोग का 125 क्वेश्चन आप लोग का टोटल देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं पर बात कर ले तो देखिए 125 आप लोग का जो है यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा हमारे प्यारे साथियों, और आप लोग का जो है मार्क्स कितना रहेगा तो सारे को आप लोग का एक एक नंबर का एग्जाम होता है तो 125 आप लोग का जो है यहाँ पर मार्क्स रहेगा, यानी कि 125 नंबर के आप लोग का एग्जाम भी होंगे। और वहीं पर अगर हम लोग बात कर ले कि कितना टाइम दिया जाएगा दोस्तों तो आप लोग को 2 आवर्स का जो है यहाँ पर टाइम दिया जाता है। अब आप लोग के मन में कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, अच्छा हाँ एक बात सबसे बड़ा तो डाउट अभी तक हम छोड़ ही रहे हैं,
इसका फॉर्म आखिर कब से अप्लाई स्टार्ट होगा दोस्तों। तो देखिए आप लोग को बताना चाहेंगे, जब ये आप लोग का नोटिस जारी हुआ था तो वहां पर से आप सब मेंशन किया गया था कि 16 अक्टूबर से। देखिए आप लोग को हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप लोग को हम ऑफिशियल जो है नोटिस जो निकाला गया था वही हम दिखला दे, ताकि आप लोग अच्छी प्रकार से जो है यहाँ पर समझ पाइएगा। कहाँ गया, हाँ चलिए यहाँ पर है। हाँ देखिए ये आप लोग का दोस्तों जो है नोटिस जारी की हुआ था, आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। हर एक सीट का आप लोग का यहाँ पर मेंशन किया गया 41,822 पोस्ट पर वैकेंसी है। यहीं आप लोग का ऑफिशियल नोटिस जो है यहाँ पर जो है निकाला गया था, और इस वक्त मेंशन किया गया था कि आप लोग की जो वैकेंसी है, वैसे तो ये बहुत दिनों से रुकी हुई है, यहाँ पर आप लोग का जो है मेंशन किया गया था। अगर आप लोग ये नोटिस पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग के लिए डाल दिए हैं। देखिए अब इसमें आप लोग को क्या बतला रहे थे दोस्तों, हाँ अप्लाई क्या होगा, अप्लाई जो है आप लोग का कब से और कैसे होगा। तो दोस्तों देखिए आप लोगों की जो अप्लाई है वो जो है 16 अक्टूबर से होने वाली थी। कब से, 16 अक्टूबर से इसी मंथ में आप लोग की, सॉरी पिछले मंथ में आप लोग की होने वाली थी, मगर क्या हुआ यहाँ पर जो है फॉर्म का लिंक जो है साइट का में कुछ प्रॉब्लम के कारण, एरर के कारण आप लोग का लिंक ही जो है ओपन नहीं हुआ। अभी भी हालांकि जो है लिंक ओपन नहीं हो रहा है ऑफिशियल साइट, जो मेस वाली ऑफिशियल साइट है। वैसे आप लोग अगर आप लोग को साइट भी नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, अगर नहीं डालते हैं तो टेलीग्राम में आकर के आप लोग मैसेज करिएगा, ऑफिशियल साइट हम आप लोग को वहां पर दे देंगे, ठीक है। तो इसका जो अप्लाई यहां से क्या कहा गया था, अब स्टार्टिंग कहा गया था और लास्ट डेट रखा गया था दोस्तों आप लोग का 16 नवंबर शायद रखा गया था, 16 से ही या फिर 6 से था, 6 अक्टूबर था या फिर ये 16 अक्टूबर था, ठीक है। तो ध्यान रखना होगा, इसमें आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए ये आप लोग का 16 नवंबर तक जो है, मैंने हमें जहाँ तक ध्यान है लास्ट डेट जो है मेंशन किया गया था दोस्तों। तो अब आप लोग को बता दें साइट में एरर आने के कारण अभी तक साइट ओपन नहीं हो रहा है, बहुत ही जल्द आज नहीं तो कल कभी भी ये आप लोग का जो है साइट ओपन हो सकता है और आप लोग का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप लोग ये भी अपडेट जानना चाहते हैं कि कब भैया आखिर फॉर्म जो है अप्लाई होगा, तो जरूर से जरूर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। जैसे इसका लिंक ओपन हो जाएगा हम वहाँ पर मैसेज आप लोग को कर देंगे कि लिंक ओपन हो चुका है, आप लोग जाकर के खुद से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल साइट भी आप लोग को वहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन था आप लोग को बतलाएं, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिएगा, और आप लोग को किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो इस नंबर को ना भूलिए 7870141238, ठीक है। ये क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके आप लोगों को कोर्स बतला देना होगा कि भैया हमारे लिए ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या एसएससी एमटीएससी या बिहार दरोगा या फिर राजस्थान पुलिस किसी का भी, सिर्फ आप लोग अपना कोर्स बतला दीजिएगा। कोर्स बतलाने के बाद दोस्तों अभी आप लोग को जो है मात्र 70 रुपये में फुल नोट्स दिया जाएगा, इंडिया के किसी भी एग्जाम का नोट्स मात्र 70 रुपये में आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। इस आर्मी वैकेंसी का भी अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग को मात्र 70 रुपये में पूरा का पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। चलिए इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करेगा दोस्तों, मेरे पास चैनल पर नई वीडियो सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।